परेशान है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करने वाले हैं, और अगर आपको खुलकर बात करना पसंद है, खुलकर बातें सुनना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस टाइप की वीडियोस को देखने के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप जब भी इंटीमेट होते हैं, सेक्स करते हैं, तो आपका गिरता ही नहीं है, आपका निकलता ही नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं। बीवी बोलती है कि बस उनका हो गया यार, और वो रोने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका नहीं निकल रहा है, फिर भी आपका नहीं गिर रहा है। तो ये क्या बीमारी है कि क्या प्रॉब्लम है, आज मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। देखिए, ये वैसे कोई इतनी बड़ी मेजर बीमारी नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर एक दो बार ऐसा होता है तो ठीक है, लेकिन बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल, मतलब आपने प्लेजर फील कर लिया, आप चरम सुख तक पहुँच गए, दोनों पार्टनर अच्छे से आपने सेक्स को एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपका गिरने को तैयार नहीं है, निकलने को तैयार नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए क्या होता है, जो लड़कों के पेनिस की जो बनावट होती है, तो उसमें क्या होता है, नीचे आपका अंडकोश होता है, पीछे की साइड आपकी पेशाब की थैली होती है, ठीक है। तो होता यह है कि आपका वीर्य यहाँ से निकलता तो है, अंडकोश से ऊपर तक तो आता है, लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय वो पीछे यूरिन की थैली में चला जाता है, ठीक है, वो यूरिन की थैली की जगह चला जाता है, इसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता है। और इसका क्यों ऐसा होता है, देखिए, जो आपके प्राइवेट पार्ट का जो बीच का ये हिस्सा होता है, मतलब जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर एक कोशिका बनी होती है जो कि एक रिंग की तरह होती है, गोल गोल, तो वो साइन देती है, जब भी आपका वीर्य यहाँ से आता है तो वो साइन देती है उसको बाहर निकलना है या उसको कहाँ ले जाना है, ठीक है। लेकिन होता ये कि अगर ये कोशिका काम नहीं कर रही है ढंग से, कोशिका कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये कोशिका कन्फ्यूज हो जाती है कि उसको बाहर निकालें या पेशाब की थैली में, मतलब यूरिन की थैली में पीछे छोड़ें, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका वीर्य ऐसा, आपको लगता है कि मैंने सेक्स कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने एंजॉय कर लिया, चरम सुख तक मैं पहुँच गया, लेकिन उसके बाद भी बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको यहाँ पर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर ऐसी उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जिनको अधिक डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको इस केस में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, आपका चेकअप होता है, आपका देखा जाता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अगर आपका ये जो कोशिका है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सही से काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है डॉक्टरों के थ्रू, चेक करके मेडिसिन आपको मिलेगी, वो आपको खाना है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये इस बीमारी को इतना बड़ा बना दिया गया है, कुछ हकीम जो होते हैं ना बाहर के, कुछ लोग पैसा खाने के चक्कर में इस बीमारी को बहुत बड़ा चढ़ाकर वो आपको बताते हैं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, निकलना जरूरी है, अगर आपका नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने प्लेजर फील कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इधर उधर हकीमों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। डॉक्टर आपको सही सॉल्यूशन दे सकता है, चेक करके कुछ मेडिसिन देगा, आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी, कोई इतनी बड़ी मेजर बीमारी नहीं है, लेकिन सही गाइडेशन आपको डॉक्टर के थ्रू ही मिलेगा। जो आपको जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो है मोजो केयर, और जिसके नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, यहाँ से जाइए, कॉल करिए, ताकि आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सके, आप सही तरीके से गाइड हो सके। तो ये नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप जरूर कॉल करिए। होप आपको ये वीडियो समझ आ गई हो, वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।